तो जी अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं असम से बिलोंग करता हूँ। मेरा एड्रेस है लंका आशाम। आप लोगों का यहाँ पर राजस्थान पर आने का मौका मेरे को बहुत कम ही मिलता है, कारण कि हम लोग बाशिंदा रह गए असम के। मेरा जन्मभूमि आशाम, मेरे पिताजी की संपत्ति वगैरह वगैरह सब कुछ यहीं पर थी, राजस्थान के अंदर में रामगढ़ शेखावाटी। लेकिन हम लोग सबको असम में ही रहते हैं, हम लोगों को आने का मौका बहुत ही कम मिलता है। मैं अखमर पूरा हिस्सों इमान दुनिया लगे से मैं कब नुआरू। मैं बेलेग बेरा जगह तो सहीसू, जयपुर सालू, उदयपुर सालू, बेलेग बेलेग जगह तो सालू, इमान दुनिया जगह मैं अखमर पूरा माने ठीक है, माने अनेक भल माने इते लगे से अखमी मोर माने मातृभूमि आसे, बहुत मोर निजर मरम जगह आसे। अपनी आक अपनी अखम तो सक अपनी माने ইয়াতে মানে ভাল ভাল বস্তুটো পাব চাবলৈ। কাজিৰঙা আছে, মা কামাখ্যা টেম্পল আছে, ভাল ভাল বস্তুটো আছে। অৰ ৰাজস্থানৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, ৰাজস্থান অনেক ভাল জেগা আছে। আপুনি মানে টিউৰৰ কাৰণে খুবই ভাল লাগিব, আপোনাৰ খুব মৰম লাগিব। আপুনি ইচ্ছা কৰিব কি এই মই সদায় মানে ৰাজস্থানী থাকোঁ, আৰু আপুনি অসমত গ'লে আপুনি এনেকৈ লাগে মই সদায় অসমৰ ভিতৰত থাকোঁ। ধন্যবাদ। जिस समय में भारत के अंदर में, पूरे देश के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में कोरोना के ऊपर में महामारी फैली थी, उसके ऊपर में बैठे बैठे मैं क्या करता। मेरे मन में विचार आया क्यों ना हो कोरोना के ऊपर में सभी को जागृत किया जाए। तो कोरोना के ऊपर में मैं आपको तीन चार पंक्तियाँ सुनाता हूँ। एक लिखा था मैं धर्मगुरु, सभी धर्मगुरु प्रवचन देकर सभी धर्मगुरु प्रवचन देकर देशवासी को समझाने लगे, हरने लगे, सब देशवासी का दुख दर्द के साथ साथ ही अपना ज्ञान का परिचय देने लगे। कौन नहीं जानता मृत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मान्यता, सहने नहीं पड़ती किसे प्रिय वीर की दुष्पथा, क्या आज हमें कहनी पड़ेगी इस महामारी कोरोना की कथा। इस प्रवचन को सुन सभी देशवासी एक साथ खड़े हुए और मन ही मन में प्रतिज्ञा में बनने लगे। न हमें फ्रांस, न हमें इटली, न हमें जर्मनी, न हमें अमेरिका बनाना है, इस महामारी कोरोना को अपने देश से ही भगाना है। इस प्रकार से हमारी कई कविताएं हैं। एक है समझौता। समझौता न करो कोई ऐसा समझौता मान सम्मान में ठेस पहुंचे, न करो कोई ऐसा समझौता किसी के सामने सर नीचा हो जाए। बहुत सी कविता है मेरी कोरोना के ऊपर में लिखी हुई है, और बहुत कविता है आपकी आजकल के जनरेशन के ऊपर में। जैसे आशा, आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, माँ बाप का माने किस प्रकार से आचरण करते हैं, उसके ऊपर में लिखा हुआ है मेरी ये कविता है। सुंदर सी छोटी सी कविता है। आशा, एक आशा थी मन में, हमें बहुत कुछ करना है, ईश्वर की कृपा हुई औलाद आया गोद पे, लालन पालन की अमल लगाकर एक नेक इंसान बनाने को समय का ऐसा चक्कर आया, खुद को समझा न पाया, धीरे धीरे जवान हुआ लाडला, फिर क्या था मुँह में गाली हाथों में जूता, गालों पर ऐसा पड़ा ये तो होना ही था, मन में सोच कर बैठ गया कोई पुण्य जन्म का पाप था, धीरे धीरे जवान हुआ लाडला, अब बारी थी शादी की, पसंद कर बैठा एक लड़की को, हमें क्या तकलीफ थी, हराम की खाने की आदत जिसकी उसका विचार कैसा होगा, पढ़ाई की ऐसी परिभाषा होगी ये हमें मालूम न था, एक आशा थी मन में जो निराशा में बदल गई, न करो ऐसी औलाद की आशा, ना मस्तक झुकाओ ऐसी औलाद के लिए, जियो जब तक आत्मा स्वाभिमान बचा कर छोड़ दे ईश्वर के हाथों में, कृपया ऐसी औलादों पर निर्भर न रहे, नहीं तो आप लोगों का भी जीवन निरर्थक हो जाएगा। धन्यवाद। हर इंसान के जीवन के अंदर में किसी वक्त भी किस प्रकार से परिवार के तरफ से हो चाहे और कोई किसी के तरफ से हो ठोकर लगती है, उसके ऊपर भी मेरी लिखी हुई एक छोटी सी कविता वक्त की ठोकर। मेरे जीवन में वक्त की ठोकर ऐसे लगी मैं खुद को संभाल ना पाया, जब भी कुछ करने को चाहा अपने ने करना ना दिया, मन में साहस और दृढ़ संकल्प था जितना चाहा कर दिया, लोगों के नज़र में मैं इंसान था अपनों के नज़र में पागल, समय समय पर लगी ऐसी ठोकर खुद को जलाया लोगों को जलना न दिया, मेरे जीवन का उद्देश्य बना कुछ अच्छा कर जाऊं सभी के चेहरे पर मुस्कान ले आऊं, वक्त की ठोकर उसी ऐसी होती है मेरे को मालूम न था, जाऊं मैं इस संसार से ईश्वर से यही कहूंगा सब कुछ देना हमें वक्त की ठोकर ना देना हमें। धन्यवाद। ममता एक माँ की, गाय को अपने बछड़े से, किसान को अपने हरे भरे खेत से, माँ को अपने बच्चे से, जो आनंद आता वह अनोखा होता है। आंचल में छिपा कर बैठी थी वो,
मुंह झुका कर बैठी थी वो, स्तन का दूध पिलाती थी वो, और कोई नहीं था, उसका दुलारा था वो। हाथ पांव चलने लगे उसके, तिरछी नज़रों से देखता था वो, मुस्कुराहट अजीब थी उसकी, काफ़ी चंचल था वो। माँ की ममता रह ना पाई, सीने लगा कर लोरियाँ गाने लगी वो, क्या कहती वो कह ना पाती थी वो, मन ही मन में आशीर्वाद देती थी वो, एक दिन तो ही मेरा सहारा होगा, भाग्यशाली होते हैं वो जो माँ की ममता पाते हैं वो। मत भूलो उस ममता को, उस माँ ने जन्म तुझे दिया, कर्ज चुका ना पाओगे उस माँ का, कर लो एक नेक काम अपने जीवन में, माँ के आंसू पोंछ डालो उन्हीं के जीवन में। हर बच्चे को अपना कर्म और धर्म साथ लेकर चलना चाहिए, माँ के चरणों को नमन करना चाहिए। धन्यवाद। तो वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम परमेश्वर मुंदड़ा। अच्छा, आई एम बिलोंग फॉर आसाम। अच्छा, आसाम से बिलोंग करते हैं आप? जी जी। आसाम में किस जगह पे आप रहते हैं? लंका आसाम। लंका कोई गांव है या शहर है? शहर का नाम है, लंका नाम है। अच्छा अच्छा, लंका शहर का नाम है। हाँ, शहर का नाम है। और वहाँ पे आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस है मेरा, मैंने मार्केट, मैंने आपका मार्केट कॉम्प्लेक्स है मेरा। अच्छा अच्छा। और होटल फूडिंग और लॉजिंग का है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे जो टूरिस्ट पैलेसेज हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपको ये ख्याल कब आया कि हम कविता लिखें? कब से लिख रहे हैं आप? मैं एक्चुअली मैं कविता लिखने का मैंने शौकीन था बचपन से ही। अच्छा अच्छा। कोरोना के अंदर में मेरे को मैंने इस चीज़ मैंने इस पहले मैंने पहलों तक पहुंचा दिया मेरे को। अच्छा, क्योंकि हाँ टाइम मिल गया मेरे को, पहले पास में कोई वक्त ना वक्त था मेरे पास में दी। तो टाइम कैसे व्यस्त करूँ मैं मेरा। अच्छा, बोला खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, क्यों ना हो मैं इसी के अंदर में अपना मैंने दिमाग लगाऊँ मैं। तो आपने अभी तक कितनी कविताएं वैसे? मैं अभी कम से कम 25-30 कविता लिख चुका हूँ। अच्छा, आपकी फेमस कविता YouTube के ऊपर वो कोरोना के ऊपर? हाँ, कोरोना के ऊपर मैंने देखी थी। हाँ, वो भी आपकी बहुत फेमस हुई थी। और जो आज की युवाओं के ऊपर जो आपने कविता लिखी है, ऐसी कविता वास्तव में बहुत ही शानदार है वो, उसके ऊपर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको ये इस ब्लॉग के अंदर ले रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है राजस्थान के अंदर आके? राजस्थान के अंदर में आके मेरा मन तो करता है कि मैं हमेशा राजस्थान में रहूं, क्योंकि मेरे पूर्वज वगैरह सब राजस्थान में ही थे, लेकिन मैं रह गया आसाम का, मेरा मातृभूमि रह गया। मैं आसाम से भी उतना ही प्यार करता हूं जितना राजस्थान से प्यार करता हूं, और एक्चुअली मैं पूरे देश से प्यार करता हूं, क्योंकि ये देश ही मेरा है और हम ही देश के हैं। अभी मैं राजस्थान में था, उस समय मैं देखा कि बहुत बरसात हुई थी, ओलावृष्टि वगैरह से माने काफ़ी लोगों का माने नुकसान हो चुका था। वो बैठे हुए थे अपने खेत के ऊपर में, अपने खेतों के ऊपर में देख रहे थे। देखते देखते मेरे को ख्याल आया, भाई ये क्या चिंता कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं के ऊपर में एक कविता लिखा, अन्नदाता। हल कंधे पर ले हलवा हा, बैल हाँक ले जाता है, अच्छे बैलों से ही खेत जोतना बाता है। पूछ पकड़ चिटकारी देकर उन्हें हाँक ले जाता है, अच्छे बैलों से ही उन्हें खेत जोतना भाता है, अपने खेतों को समतल बना लेता है। सूर्य की तेज किरणों में खुद को जलाता रहता है, ठंड के मौसम में खुद ही ठिठुर जाता है। खेतों की हरियाली देख ईश्वर को याद करता है, नसीब का मारा चक्कर, नसीब का ये क्या चक्कर हुआ, खुद ही न जान पाता है। आंधी तूफान बारिश पत्थर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, हरे भरे खेतों को मिनटों में उजाड़ देते हैं। नसीब का मारा बेचारा क्या करता, लेनदारों का घर में आगमन हो जाता है। सोच सोच कर बेचारा अपने जीवन में पूरा थक जाता है, बच्चों की आंखों में भली भांति पड़ पाता है। भूखे पेट क्या करता बेचारा, जीवन से वो हार जाता है और फंदे को अपना माला बना लेता है। इस देश के लाखों किसान मरने को मजबूर हो जाते हैं। आवश्यकता है सरकार की आश्वासन न दो उन किसानों को, जिससे देश आत्मनिर्भर होता हो। आश्वासन देते हो तो उसे पूरा करो उन किसानों को, जिससे देश की उन्नति हो। जय हिंद। एक दिन मैं घूमने के लिए निकला था, मयूर की छोटी छोटी आवाज़, मयूर की मधुर मधुर आवाज़ के अंदर में और चिड़ियों की मैंने चिचिराहट के अंदर में मेरे को एक अनोखा आनंद मिला। उसके ऊपर मैं कविता लिखा, आशियाना। एक आशियाने की तलाश में, आशियाना एक आशियाने की तलाश में सोच सोच कर हार गई थी मैं, क्या करूं क्या ना करूं मैं। अचानक एक अभिलाषा जगी, क्यों ना हो नीले आसमान के नीचे हमारा भी एक आशियाना हो। चल पड़ी थी मैं अपने राह की ओर, चुन चुन कर एक तिनका लाई, पेड़ की एक डाल पर मेरा भी एक आशियाना बना। बच्चों के लालन पालन में व्यस्त हो चुकी थी मैं,
धीरे धीरे समय गुजरने लगा। मेरा चू चू की आवाज़ से मेरा मन खिल उठा। एक दिन ऐसा आया, एक भले बानस की नज़र पड़ी, लाठी डंडों से उजाड़ दिया मेरे आशियाना को। आँख में आंसू लिए चिंता में डूब गई थी मैं। क्या बुरा किया था मैं उस भले मानुष का मैंने, क्या कहती मैं कुछ कह ना पाई। यही मेरा कर्म था और वो अपने स्वभाव से लाचार। हार ना मानी थी मैं निकल पड़ी एक नए आशियाना बनाने की ओर। एक दिन ऐसा आया, उससे भी सुंदर मेरा आशियाना बना। मेरे को एक शिक्षा मिली, कर्म प्रधान है, इस भावना से चलना चाहिए। थोड़ा समय निकाल कर ईश्वर को याद करना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा, आप सभी का भी आशियाना होगा। धन्यवाद।